अब गाइस यार काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है यार हमने एएमडी के एपीयूज़ के बारे में बात नहीं की, क्योंकि बेसिकली यार इंटेल इतने बजट फ्रेंडली सीपीयूज़ निकाल रहा था और मतलब सब कुछ कॉम्बो वॉम्बो करके जो है हम इतना काफ़ी ज़्यादा इंटेल एनवीडिया में घुस गए थे कि भाई हमें एएमडी के जो है तुम्हारी एपीयू की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और ध्यान जाएगा भी क्यों यार, भैंस का एएमडी तुम जो हो इतने महंगे महंगे एपीयूज़ लॉन्च कर रहे हो, 5600G 20-25,000 का तुम लॉन्च कर रहे हो, और उसके बाद तुम सोचते हो कि भाई कस्टमर्स बाय करेंगे तो कौन बाय करेगा भाई। ठीक है, तो ऐसा ही भाई अब जैसे जैसे दिसंबर एंडिंग आता जा रहा है तो वैसे ही तुम्हारा जो है एपीयू के प्राइसेस डाउन आ चुके हैं, और ऐसे ही एपीयू के बारे में बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वेल सर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम इशित नामा और आप सब देख रहे हैं टेक नाइन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। सो गाइस वीडियो को तरफ बढ़ने से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम सबका इंटरेस्ट है प्री बिल्ड पीसीज में तो यार तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो andpcs.com, जहाँ पे जो है तुम्हें बेस्ट प्री बिल्ड पीसीज के डील्स देखने को मिल जाएंगे। तो यार कहीं मत जाओ, प्री बिल्ड पीसी खरीदो और मज़े करो। अब जिसको मज़े नहीं कर रहे वो वीडियो की तरफ आगे चलो। तो बेसिकली यार मैं बात करने वाला हूँ R5 4600G की। हाँ गाइस 4600G, भाई अब तुम कमेंट में स्पैम करोगे कि भाई वाई 4600G, क्योंकि 4600G एज एन ओल्डर जनरेशन APU, वाई शुड बी कंसिडर दैट APU। तो बेसिकली द मेन थिंग इज़ कि यार तुम्हारा 4600G जो है उसका प्राइस ड्रॉप होकर आ गया 10,500 रुपीज़ अमेजन पर, 10,500 और 11,000 करीब। एंड द प्राइस पॉइंट ऑफ 11,000 रुपीज़ ये आपको जो वैल्यू ऑफर कर रहा है ना वो भाई काफ़ी अच्छे लेवल की, क्योंकि बेसिकली यार 2 साल पहले तुम जाओगे तो तुम्हें 10 to 11,000 में राइजन 3 3200G मिलता था, जो क्या इस मतलब उसको काफ़ी लोगों ने लिया उस प्राइस पॉइंट पर, और काफ़ी सारा GTA 5 खेला। बट मैं बात कर रहा हूँ 4600 राइजन 5 की, ठीक है, वेगा 11 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यार देखो इसमें तुम्हारा क्या सीन है कि ये वाला जो APU है, ये वाला APU तुम्हें आराम से गेमिंग करा सकता है ऑन 1080p लोअर सेटिंग, सारे ही गेम्स तुम्हें प्लेबल FPS पे खिला सकता है। कुछ बड़े टाइटल की तरफ चलूँ तो मैं, जैसा कि तुम्हारा IDR2 हो गया, या फिर तुम्हारा वो से लाइक और कोई बड़ा टाइटल हो गया, ठीक है, तो उनमें जो है साइबर पंक हो गया, तो उनमें जो है तुम्हें रेजोल्यूशन लोअर करके 720p पर चलाना पड़ेगा। अब बेसिकली कौन से ऑडियंस के लिए, अब ये बेसिकली मैं उन ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ जो कि नया PC बना रहे हैं, जिनके पास इतना बजट नहीं है कि वो ग्राफिक्स कार्ड लगा सके अभी, और जो कि PC बना रहे हैं अंडर 20-25,000 रुपीज़ का PC बना रहे हैं अपने नॉर्मल वर्क के लिए, और उनको गेमिंग भी करना है बट ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते, तो उन लोग के लिए जो है R5 4600G एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। अब यार हम कुछ बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं, जैसे आपको देख के पता लग गया होगा क्योंकि यार मेरे सर्कल में काफ़ी सारे लोग 4600G यूज़ कर रहे हैं, तो यार मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़े से बेंचमार्क्स बता दिए जाएँ। तो चलिए बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं।
तो गाइस यार बेंचमार्क्स देखने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि यार 4600G जो है वो कितना केपेबल है आज के टाइम पे यार। मतलब कि 10 to 11,000 रुपीस में तुम्हें भाई 1080p हाई सेटिंग्स पे GTA चल रहा है, तुम्हारा अच्छे खासे फ्रेम्स निकाल रहा है, तो भाई तुम्हें और क्या ही चाहिए। ठीक है, सो यार गाइस इस APU को बाय करने का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर और तुम्हें कुछ पूछना है 4600G के बारे में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वेल यार देखो आजकल अमेजोन पर डील वील चल रही है 5600G पे, तो वो भी तुम्हें कुछ 13 to 14,000 का देखने को मिल रहा है। तो 11,000 रुपीज़ तुम इस पर स्पेंड कर रहे हो, इससे अच्छा तुम 2 से 3 हज़ार रुपये और देखे अगर तुम्हें डील मिल जाए ऐसी, तो तुम 5600G की तरफ ही जाना। बाकी 4600G इट्स नॉट अ बैड चॉइस आज के टाइम में। सो यार गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।